हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन पास्ट एयर क्वेश्चन सीरीज सो वी वर डिस्कसिंग 2017 का पेपर एंड 2017 के पेपर में हम लोगों ने पेपर वन का आई गेस सेक्शन ए डिस्कस कर लिया था तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं जरा सेक्शन बी के डिस्कशन को और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं हमारे पास एंड दिस पार्ट इज ऑब्वियसली रिलेटेड विद ह्यूमन जोग्राफी ठीक है ह्यूमन जोग्राफी सो so, देखिए ये जो सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है नॉट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट बट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू शुड राइट द क्वेश्चन तो बेसिकली ये एक तरीके से आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जहां पर आप पास्ट एक के क्वेश्चन के थ्रू आंसर राइटिंग को सीख रहे हैं सो जस्ट ओनली अंडरस्टैंड द वे ऑफ राइटिंग द वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग यही चीज़ केवल और केवल समझाने का मेन मोटिव है इस सीरीज़ के थ्रू तो so, आप क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको देखिए एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज हाउ यू आर कनेक्टिंग द ज्योग्राफिकल थाट्स ज्योग्राफिकल लैंग्वेज ज्योग्राफिकल की वर्ड्स टू द आंसर दैट इज ओनली द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ठीक है फटाफट देख लेते हैं शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले ये हम लोगों ने ओके okay, स्टार्ट करने से पहले ये हमारी कुछ सीरीज है एक्स्ट्रा जैसे एडवांस ज्योग्राफी कोर्स है एंड टेस्ट सीरीज है जो कि ज्योग्राफी की है जहाँ सेक्शनल टेस्ट भी है एंड फुल टेस्ट भी है इसी तरीके से जीएस की भी सीरीज़ है सेक्शनल टेस्ट है एंड फुल टेस्ट है एंड ऑल दैट ये सब चीज़ें हैं तो आप लोग देख लीजिएगा जिसको इंटरेस्टेड होगा जो इंटरेस्टेड होगा यू कैन ड्रॉप एन ई ऑन रिकोगनीशन फॉर मोर डिटेल्स या फिर आप सीधे विजिट कर सकते हैं रिकोगनीशन पे और इन कर सकते हैं बाकी एडवांस जोग्राफी कोर्स दिस इज़ दिस इज़ आई वुड रिकमेंड बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ एंड दिस इज़ काइंड ऑफ़ ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बिकॉज here द टॉपिक्स जो कि डिस्कस करने वाले हैं हम लोग या डिस्कस कर रहे हैं दैट आर वेरी कंटेम्प्ररी एंड दैट इज़ वेरी important फॉर द मेन्स एग्जामिनेशन द ऑप्शनल एग्जामिनेशन फटाफट देख लेते हैं हम लोग ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हुए हैं सो so, फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोग शुरू करते हैं अपना जो आज का टाइम है ठीक है तो हमारा कन्सेप्ट आता है कंसेप्ट ऑफ टाइम जोग्राफी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड सजेस्ट क्योंकि ये काफ़ी एक तो डिफरेंट टॉपिक है जो कि अलग है और जनरली uh, ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलता है लेकिन आप इसे के सिद्धार्था बुक में देख सकते हैं तो के सिद्धार्था बुक में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है इनफैक्ट इन आवर एडवांस ज्योग्राफी कोर्स वी हैव ऑल्सो इट वेरी ब्रॉडली इनफैक्ट द कंटेंट वी हैव टेकन टाइम ज्योग्राफी के कंसेप्ट को देख लेते हैं एंड टाइम ज्योग्राफी एक तरीके का अप्रोच होता है सोशल जोग्राफी में जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था हैगर स्ट्रैंड के द्वारा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल और ये एक बिहेवियरल अप्रॉक्सीमेशन है जिसमें डिसीजंस जो लिए जाते हैं अबाउट द बिहेवियर एंड द टाइम आर द सेंट्रल पॉइंट तो ये बेसिकली दोनों सेंट्रल पॉइंट होते हैं एवरी लिविंग पर्सन और इवन एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉय सर्टन एक्टिविटी इन अ अर्टन सिक्वेंस तो भाई हर एक बंदा अपना सुबह उठ करके काम करता है उस काम करने के दौरान में अपनी वो एक टाइम शेड्यूल बनाता है और उसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से वो बंदा काम करता है जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि एक बंदा है इन जनरल ऑन ए स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे टू हिज और हर वर्क वेयर दे स्टे फॉर एक्स आवर्स अ डे बिफोर दे गो होम डू द शॉपिंग कुक मील और जो भी काम करना होता है वो करते हैं तो ये बेसिकली एक जनरल पैटर्न होती है एंड इसी को बोलते हैं हम लोग लाइफ साइकिल जैसे दूसरे कंट्री में अगर आप पहुंच जाते हैं तो बॉडी की अपनी एक क्लॉक होती है लेकिन उस क्लॉक के बेसिस पे आपको उस कंट्री का क्लॉक नहीं मिलता है क्योंकि आप सीधी सी बात है आपने एक टाइम जोन चेंज किया है सो डिफरेंट काइंड ऑफ पाथवेज़ आर देयर एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइफ पाथ हो गया वीकली पाथ हो गया डेली पाथ हो गया उसी के हिसाब से जो भी चीज़ें की जाती हैं जो भी टाइम पीरियड होता है इसी के स्टडी को हम लोग टाइम जोग्राफी बोलते हैं सो so ये बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि डिस्कस किया गया था हैगर स्ट्रैंड के द्वारा यहाँ पर इन्होंने हैगर स्ट्रैंड ने कुछ एजम्पन्स लिए थे और वो एजम्शंस यहाँ पर दिए गए हैं जैसे कि जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनका लाइफ पर लिमिटेड इफेक्ट होता है एंड फिजिकल एंटिटीज कैन नॉट बी इन मोर देन वन प्लेस एट द सेम टाइम तो इस तरीके से क्या है कि कई सारे एज्पशंस लिए गए थे और एजम्स के बेसिस पे इन्होंने कुछ कंस्टेंट ऑफ टाइम जोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था अभी हैगर स्ट्रेंड ने तीन चीजों के बारे में बेसिकली बोला था एक बोला था कैपेबिलिटी कंस्टेंट के बारे में दूसरा कपलिंग कंस्ट्रेंट के बारे में और तीसरा अथॉरिटी कंस्ट्रेंट के बारे में तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एडवांस जोग्राफी में डिस्कस भी की हुई हैं सो so, Uh, एक ऐसी चीज है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं एंड दिस इज द मेन कंटेंट फॉर दिस क्वेश्चन थोड़ा सा uh, एक तरीके से टफ कहा जाएगा क्योंकि जनरली ये टेक्स्ट बुक्स में या फिर नॉर्मली ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है बट दिस इज अ टफ क्वेश्चन एंड टू का ये क्वेश्चन पेपर में था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है विटल से एग्रीकल्चरल रीजन आर रेलिवेंट इवेंट टूडे अब देखिए जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको सिंपल स्ट्रक्चरिंग करनी है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चरिंग होगा उसमें इंट्रोडक्शन में आप सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्या चीज सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे विटल से का मॉडल ठीक है और विटल से, से पहले भी इनफैक्ट अगर आप चाहें तो रीजनल एनालिसिस के बारे में बता सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन के बारे में बता सकते हैं और यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूटर का नाम भी आप लिख सकते हैं जिन्होंने रीजनल जोग्राफी को स्टडी किया था ठीक है तो ये बेसिकली जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका नाम लिखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं बाकी विटल से के बारे में आ जाएंगे विटल से के मॉडल को देखिए डिस्कस नहीं करना है क्वेश्चन में क्योंकि नहीं पूछा गया तो आप सीधे बताइए कि ये एग्रीकल्चरल रीजनल मॉडल था एक फ्लो चार्ट यहाँ पर इंक्लूड करिए और उस फ्लो चार्ट में सिंपली केवल और केवल जो भी बातें विटल से ने बताई थी कंसेंट्रिक जोनेशन जो भी बताया हुआ था वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पर केवल और केवल फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में दिखाइए काम खत्म हो गया आपका अब उसके बाद से नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाइए और यहाँ पर बात करिए रेलिवेंस रेलिवेंस ठीक है रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस दोनों एक साथ ही बल्कि आप डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज दिस विल बी ईजी अब रिलेवेंस में जब आप आएंगे तो सीधी सी बात है आज की डेट में क्या है कि ट्रांसपोर्ट काफ़ी वेल well कनेक्टेड है लेकिन अगर हम लोग स्मॉल स्केल पे देखते हैं स्मॉल स्केल यानी कि विलेज स्केल पे अगर देखेंगे तो ये थ्योरी जो भी बातें कही गई थी वो पूरी तरीके से करेक्ट मिलती हैं हमें इवन इन डेवलप्ड वर्ल्ड या फिर डेवलपिंग वर्ल्ड दोनों ही जगहों पर लेकिन अगर हम लोग थोड़ी सी बड़ी मार्केट में आते हैं लार्ज एरिया में आते हैं या लार्ज स्केल पर देखना शुरू करते हैं तो हमें अंडर डेवलप्ड जो रीजियंस होते हैं वहाँ पर तो हमें जो जिस विटल से की मॉडल है तो रिलेवेंट मिलती है क्योंकि सीधी सी बातें देखिए जहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट कनेक्शन ये सब वीक होगा वहाँ पर विटल से की थ्योरी रेलिवेंट हो जाएगी तो अंडर डेवलप्ड नेशन में सीधी सी बात है इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होती है कि हर चीज़ों को कनेक्ट किया जा सके लेकिन वही अगर डेवलपिंग नेशन में बात करें तो कुछ हद तक ये रेलीवेंट होता है लेकिन पूरी तरीके से रेलिवेंट नहीं है लेकिन अगर डेवलप्ड नेशन के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं होती है क्योंकि अब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के कारण से लंबी लंबी दूरी तक जो है जो गुड्स हैं वो भेजे जा सकते हैं तो ये काम यहाँ पर होता है इवन इंडिया में भी अभी में किसान एक्सप्रेस ट्रेन वगैरह चला दी गई है जिसके कारण से अब ये विटल से का जो मॉडल है वो उतना रिलेवेंट नहीं रह जाएगा तो एक सिंपल सी चीज़ थी इसी रिलेवेंस को आपको दिखाना था थोड़ा सा एग्जाम्पल कोट करके अगर आप लिखेंगे देन इट विल बी वेरी गुड इनफैक्ट आप यहाँ पर अमूल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अमूल जो गुजरात में स्टार्ट किया गया था जब स्मॉल स्केल पर था तो इट वॉज एक्चुअली फॉलोइंग द विटल सेज एग्रीकल्चरल मॉडल लेकिन जैसे ऐसे इसका एक्सपेंशन हो गया वैसे वैसे ही इसकी जो रिलेवेंस है वो खत्म हो गई ठीक है तो ईजी पार्ट था ज्यादा कुछ खास था नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दैट्स ऑल ठीक है अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप यही लिख सकते हैं कि द थ्योरी इज रेलिवेंट बट इन द एरियाज ऑफ अंडर डेवलप्ड और द डेवलपिंग रीजियंस बिकॉज द मॉडल विच एक्चुअली हैज इट्स अजम्पशन इन द फॉर्मेट ऑफ ट्रांसपोर्ट लिंकेज बट ऑन अ स्मॉलर स्केल ठीक है इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं सिंपल कंक्लूजन हो जाएगा फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है राइट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन ज्योग्राफिकल सिस्टम अगेन देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सिस्टम्स 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 एनालिसिस 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 का है सो दिस इज अब देखिए भी हम लोगों ने एडवांस ज्योग्राफी कोर्स में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है तो उसी के हम लोग जरा कंटेंट को एक बार देख लेते हैं सिस्टम्स एनालिसिस में हम लोगों ने ये देखा हुआ था इसमें कि इन अप्लाइंग द फिन बींग स्टडीड नीड टू बी कंसेप्चुलाइज इन अ मैनर दैट दे कैन बी हैंडल्ड इन एलिमेंट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस तो यहाँ पर मैथमेटिकल ओरिजिन एक तरीके से आप बोल सकते हैं क्यू आर फेस की ये थ्यूरी बोली जा सकती है इस स्केल प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर बात करें तो एलिमेंट या कंपोनेंट पर्टिकुलर लेवल ऑफ एनालिसिस में ऑल्सो रिप्रेजेंट अस्टम ऑफ लोअर लेवल ऑफ एनालिसिस तो यहाँ पर जो सिस्टम होती है वो इस तरीके से कुछ होती है बाकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम क्लोजर प्रॉब्लम फंक्शनल प्रॉब्लम ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था बाकी कुछ डेवलपमेंट थ्योरीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ है यहाँ पर जो कि ये दोनों थ्योरी है बेसिकली जो कि रिलेटेड है इस सिस्टम्स एनालिसिस से इनफैक्ट यहाँ पर जब भी आप सिस्टम्स एनालिसिस के बारे में बात करेंगे तो इनके कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जैसे एक कंपोनेंट होता है जो नोड होती है नोड के बाद लिंक होती है लिंक के बाद नेटवर्क होती है और फिर फ्लो होता है और इसी के बेसिस पे जो हमारा सिस्टम होता है वो कई टाइप का हो सकता है फ्लो के हिसाब से जैसे कैस्केडिंग होती है लीनियर होती है कॉम्प्लेक्स होती है कई सारे होते हैं इसी तरीके से सिस्टम्स एनालिसिस एक होती है जो ओपन सिस्टम हम बोलते हैं और एक होती है जो क्लोज सिस्टम होती है सो so यहाँ पर पूरा कंटेंट नहीं कॉपी uh, किया गया है बट ठीक uh, है यू कैन गेट एन आइडिया कि किस तरीके से हमें आंसर को अप्रोच करना है सो दैट विल बी वेरी इजी क्वेश्चन यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कुछ मॉडल्स के भी बारे में आप लिख दीजिएगा और वो भी लोकेशनल मॉडल्स के बारे में तो दीज आर लोकेशनल मॉडल्स लोकेशनल मॉडल्स के बारे में आपको पता ही है वेबर का मॉडल हो गया वॉन थ्यूनन का मॉडल हो गया और सीपीटी क्रिस्टोलर का मॉडल हो गया तो so सिंपली इसी को लिंक करते हुए आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखना है सीधा क्वेश्चन है एंड सीधा आंसर भी इसका हो जाएगा तो so, ज्यादा कुछ खास है नहीं डिस्कशन करने को एंड दैट इज वाई वी आर नॉट गेटिंग मोर इन इट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रेडिशनल कल्चरल आइडेंटिटीज आर एट लॉस विद द ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी आई वुड से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है क्योंकि इसमें इतने सारे डिमेंशन है डिस्कस करने के लिए हम लोग कुछ डिमेंशन को डिस्कस करेंगे और बाकी आप खुद से भी सोच सकते हैं जैसे वॉट कैन बी स्ट्रक्चर फॉर दिस क्वेश्चन देखिए सबसे पहले हम लोग जब देखते हैं जरा इंट्रोडक्शन क्या होगा इंट्रोडक्शन देखिए आपको बताना है कल्चरल स्प्रेड के बारे में तो दिस इज इस कल्चरल स्प्रेड किस तरीके से बताएंगे आप कल्चरल स्प्रेड को स्टार्ट करेंगे इवन अरिस्टोटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं अरिस्टोटल इन्होंने जो बताया हुआ था एक्यूमीन नॉन एक्यूमिन का कंसेप्ट ठीक है इक्ूमीन एंड नॉन इक्ूमीन का कंसेप्ट ले करके आप स्टार्ट कर सकते हैं बाकी इसके आगे आप मॉन्टेस्क्यू के बारे में भी बता सकते हैं किस तरीके से इन्होंने बोला था कि इलाका जो है वो इक्ुमीन और नॉन इक्मीन जो एरिस्टोटल ने बोला था वही एक तरीके से चल सकता है लेकिन आगे इसके बाद आप बात कर सकते हैं बफोन के बारे में तो जो बफोन साहब थे वन सेकेंड जो बफॉन साहब थे इन्होंने बोला था कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है टेक्नोलॉजी जो है वो कुछ भी चेंज कर सकती है एंड दैट इज़ वाई वी कैन नॉट से कि जो लोगों के रहने का एरिया है वो लिमिटेड होगा तो इस तरीके से होगा क्या कल्चर विल स्प्रेड जैसे ट्राइब आगे आगे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे कल्चर स्प्रेड करते जाएगा और इस कल्चरल स्प्रेड को दिखाने के लिए आप सिंपली कुछ एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं जैसे कि हमारी हार्ट शोन की कंसेप्ट हो गई दिस इज़ हार्ट शोन ठीक है एरियल डिफ्रेंसीेशन को लेकर के विडाल डेला ब्लास्ट के बारे में बता सकते हैं और इनकी पेज स्केल को दिखा सकते हैं इसी तरीके से एल सैंपल को दिखा सकते हैं एल एन और इसी तरीके से आप दिखा सकते हैं एल्सवर्थ हंटिंगटन के बारे में हंटिंगटन ठीक है तो जो लोग भी कंट्रीब्यूटर याद कर रखे होंगे उनको अब समझ में भी आ रहा होगा ठीक है अब देखिए कल्चरल स्प्रेड के बाद अब आप ये बताएंगे कि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है कि कल्चरल आइडेंटिटीज आर एट लॉस विद द ग्रोथ ऑफ कल्चर ग्लोबल कनेक्टिविटी इस पूरे पॉइंट को लिखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था आपको ये दिखाना कि अगर पीपल मूव करेंगे मूव करने का मतलब पीपल अगर माइग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कनेक्टिविटी विद द डिफरेंट वर्ल्ड तो डिफरेंट वर्ल्ड के साथ में इनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी और डिफरेंट वर्ल्ड के साथ जैसे जैसे कनेक्टिविटी होती आएगी वैसे वैसे ये अपने कल्चर को अडॉप्ट करते जाएंगे कल्चरल एडॉप्शन और इस कल्चरल एडॉप्शन के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने ये पूरा का पूरा मॉडल्स देख रखा है सो so अगर ये कल्चरल मॉडिफिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली जो कल्चरल आइडेंटिटीज़ हैं कल्चरल आई डेन टी टीज हैं वो ऑब्वियस बात है उनका लॉस होगा ही होगा इसके पीछे दो कारण हैं एक तो कारण आपका माइग्रेशन हो ही गया और दूसरा हो गया कल्चरल तो इन दोनों पॉइंट को आपको लिख देना है माइग्रेशन को भी आप रेवनस्टीन की थ्योरी से आप बता सकते हैं रेवनस्टीन की थ्योरी रेवनस्टीन की थ्योरी लिखने के पीछे कारण यह है कि उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से लोग नए एरिया में जाते हैं एंड दे आर अडॉप्टिंग द न्यू थिंग्स ठीक है एंड अडॉप्शन के लिए तो हम लोगों ने बाकी पूरा का पूरा सिस्टम ही लिख दिया तो ये तो हो गया जो जनरली लगभग लगभग आई वुड से जितने भी सीरियस एस्पेरेंट्स हैं वो लिखेंगे ही लिखेंगे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी तो होना चाहिए आखिर में नंबर कहाँ से आप एक्स्ट्रा खींच लेते हैं तो एक्स्ट्रा जो है वो है डिफ्यूज़न थ्योरी सो अगर आपको डिफ्यूज़न थ्योरी पता है देन यू कैन राइट दिस ऑल्सो एंड दिस इज़ आई वुड से वेरी गुड कनेक्शन बहुत बढ़िया अगर आप इस तरीके से कनेक्ट करके लिख देंगे तो इनफैक्ट चेक करने वाला भी मज़ा आ जाएगा उसको भी डिफ्यूजन थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनफैक्ट वी हैव कवर्ड दिस आल्सो इन एडवांस ज्योग्राफी कोर्स तो एडवांस ज्योग्राफी इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगर आप इसकी सारी चीज़ों को देख लेते हैं ऑब्वियसली यू विल डू वेरी गुड इन योर मेन्स एग्जामिनेशन लेकिन एडवांस ज्योग्राफी का मतलब ये नहीं है यू कैन नॉट डू इट बाय योर ओन यू कैन डू इट बाय योर ओन ऑल्सो लेकिन ये है कि अगर आप इनरोल uh, करते हैं देन ऑब्वियसली यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गिव द अकाउंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इट्स कंपोनेंट सीधी सी बात है 2015 से 2030 के बीच में जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया है इसके जो कंपोनेंट uh, है मतलब कि 17 गोल्स एंड 169 सिक्सटी जो आए हैं इन सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना था सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था पूछने के पीछे देखिए कई सारे कारण थे जैसे क्या है कि रिसेंट में क्या हुआ है कि हिडन हंगर एक प्रॉब्लम आई है तो पोवर्टी को लेकर के इसके साथ में करेंट कर सकते हैं अगेन इट इज़ ए गोल ऑफ अंडर दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बनाइजेशन इज ए प्रॉब्लम जो कि अगेन इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंटीग्रेट uh, किया गया है मरीन इन्वायरमेंट इज ए प्रॉब्लम इसके अंदर ही इंटीग्रेट किया गया तो देखिए कई सारे ऐसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ रहे हैं जिसके कारण से इस क्वेश्चन के पूछने की संभावना थी और यही कारण था कि ये कंपो ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अकाउंट का मतलब यही बताना है कि हमने कितना परसेंट क्या अचीव किया है तो बेसिकली स्टेटस के बारे में आपको बताना है कि क्या हमने टारगेट किया है क्या हम अचीव कर रहे हैं यहां आपको ध्यान ये रखना है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी इंडिया नहीं बोला गया है तो आपको एक वर्ल्ड परस्पेक्टिव लेके चलना है इस तीन पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं वर्ल्ड के परस्पेक्टिव को एक अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज अनडेवलप्ड ठीक है दूसरा डेवलपिंग नेशंस और तीसरा आप डेवलप्ड नेशन के बारे में इन तीन लोगों को लेकर के चल सकते हैं तीनों के अलग अलग केसेस जैसे लिटरेसी मेल न्यूट्रिशन हंगर एंड अर्बनाइजेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मरीन इन्वायरमेंट इन सब चीज़ों को लेकर के आपको डिस्कस करना है काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ लेनी चाहिए अगर इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्योंकि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में जहां पर भी अकाउंट पूछा जाता है स्टेटस पूछा जाता है वहाँ पर आपको कुछ डेटा कोट करना होता है तो अगर आपने कुछ डेटा याद कर रखा है देन इट इज गुड अनफ एंड अगर नहीं याद किया है तो फिर आप किसी इंटरनेशनल बॉडीज की यू वगैरह की रिपोर्ट पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हमें लिखना है क्लियर सो दैट इज द थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंटेम्प्रेरी पैराडिम ऑफ जोग्राफी अब देखिए कंटेम्प्ररी का मतलब ये होता है कि जो करंट में चल रही है पैराडिम का मतलब होता है एक तरीके से न्यू थॉट्स

ठीक है दूसरा पॉइंट आप आ सकते हैं जैसे कि पॉपुलेशन ज्योग्रफी में या फिर एक काम करिए मॉडल्स एंड थ्योरीज में आ जाइए तो मॉडल्स एंड थ्योरीज में अभी हम लोगों ने क्वेश्चन ही देखा एक क्वेश्चन आप टाइम ज्योग्रफी का दिखा सकते हैं कि किस तरीके से टाउन ज्योग्राफी आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनी हुई है दूसरा आप दिखा सकते हैं डिफ्यूजन के कंसेप्ट को ठीक है तीसरा आप दिखा सकते हैं इकोनॉमिक वाले एरियाज को जैसे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल थ्योरीज वगैरह डेवलप हो रही हैं तो इंडस्ट्रियल थ्योरीज में कई सारी थ्योरी डेवलप हुई है जैसे पैलेंडर की थ्योरी हो गई ठीक है इसी तरीके से स्मिथ की थ्योरी हो गई तो बहुत सारी थ्योरी जो है रिसेंट में डेवलप की गई हैं एंड दे हैव रियली इम्पॉर्टेंस इन द कंटेम्प्रेरी पैराडिम तो ये पॉपुलेशन जोग्राफी में आ सकते हैं पॉपुलेशन जोग्राफी में यहाँ पर अगर आपको डिस्कस करना है सो तो आप कंटेम्प्ररी पैराडिम में डिस्कस सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया इसके अलावा दिस uh, क्वालिटी uh, इंडेक्स हो गया ठीक है तो पी क्यू एल आई हो गया तो ये हो गई हमारी क्वालिटी लाइफ इंडेक्स वगैरह हो गया इसके बारे में आप लिख सकते हैं इसके अलावा मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स हो गया ठीक है तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं तो ये सब बेसिकली क्या है ये सब कंटेम्प्ररी पैराडिम्स ही हैं इन्वायरमेंट में आ जाइए इन्वायरमेंट में जितने भी कंसेप्ट के बारे में आप जानते हैं सब कुछ लिख दीजिए सारा ही कंटेम्प्ररी पैराडिम है तो ये बेसिकली आपको लिखना था ये देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको किस तरीके से आप इस 250 वर्ड में लिखते हैं 300 वर्ड में लिखते हैं ये आर्ट है और यही चीज की जा सकती है तो जो लोग भी लिख करके भेजना चाहें वो भेज सकते हैं रिकोगनेशन एट जी पे एंड वहां से आपको इवेलुएट करके फीडबैक मिल जाएगा तो लिखने वाले आप लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी क्राइसिस वेरीज रीजनली अब देखिए अगेन ये जो क्वेश्चन है उसका मेन मोटिव है इस एनर्जी क्राइसिस यानी कि जो एनर्जी डेवलपमेंट हुई है वो रीजनल स्केल पे हुई है तो रीजनल स्केल आप बोल सकते हैं कि ये यह इस यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो काफ़ी डाइवर्स हुआ है सो so यहाँ पर क्या है कि एनर्जी के बेसिस पर आपको क्या है सबसे पहले जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये बताना होगा कि एनर्जी क्या है एंड वर्ल्ड uh, में किस तरीके से लोग एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं या करते हैं अब यहाँ पर एनर्जी के आपको अलग अलग टाइप बताने होंगे जैसे कि एक टाइप होता है जहाँ पर दो पार्ट होते हैं एक होता है जिसको बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स और दूसरी होती है जो नॉन रीन्यूएबल सोर्स होती है इसी तरीके से दूसरा आप बता सकते हैं कि हमारे पास होती है एक ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स दूसरा होता है जो नॉन ट्रेडिशनल होती है ठीक है अब इन दोनों इन लोगों को आप एक्सप्लेन करिए विल बी वेरी इंपॉर्टेंट अब जैसे नॉन रिन्यूएबल हो गई या ट्रेडिशनल हो गई जनरली ये अनडेवलप्ड नेशन के द्वारा यूज किए जाते हैं तो अनडेवलप्ड नेशन में आप क्या कहेंगे कि सिंस द एनर्जी इज वेरी लिमिटेड एंड दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग न्यू वेरिएशन या फिर न्यू अल्टरनेटिव फॉर द एनर्जी ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू फील या दे आर गोइंग टू फेस एनर्जी क्राइसिस इन रिसेंट टाइम्स तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं जो भी अनडेवलप नेशन है जैसे अफ्रीका के नेशंस दिखा सकते हैं आप हालांकि वहाँ पर भी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इवन इंडिया में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है इंडिया में आज की डेट में जितना पेट्रोल का प्राइस है उतना कहीं नहीं है तो ये केस है खैर अभी हुआ है ये तो लेकिन अल्टीमेटली अगर ओवरऑल पैरिटी वाइज भी देखेंगे तो अफ्रीका और इंडिया में ज़्यादा कोई खास अंतर होता नहीं है वहाँ पर भी पचास साठ सत्तर रुपये तक का होता है यहाँ पर भी पचास साठ सत्तर साठ सत्तर रुपये तक रहता था खैर अभी तो खैर सीन अलग हो रखा है दैट इज़ डिफरेंट थिंग लेकिन इसी तरीके से अगर आप रिन्यूएबल पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप डेवलपिंग नेशन एंड डेवलप्ड नेशन के बारे में दिखा सकते हैं ट्रेडि नॉन ट्रेडिशनल में आ जाएंगे तो डेवलपिंग नेशन एंड डेवलप्ड नेशन के बारे में आ सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है तो ये हो गया वर्ल्ड लेवल पे फिर आप इंडिया लेवल पर आ जाइए इंडिया लेवल पर भी दिखा दीजिए कहाँ पर किस तरीके से सीन हो रखा है ठीक है तो ये एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर uh, हो सकता है इस एनर्जी क्राइसिस के इशू को दिखाने के लिए द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट द क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो काफी एक तरीके से ट्विस्टेड फॉर्मेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ये है कि एनर्जी डेवलपमेंट पर किस तरीके से हुआ है वही आपका क्वेश्चन हो गया तो यही आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ जाएगा तो डेवलपमेंट के बारे में भी आप बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन में ठीक है बाकी आप लिख करके भेजेंगे देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जामिन दॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ फोर्ड माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द प्रेजेंट कंटेक्सट अब देखिए फोर्ज माइग्रेशन का मतलब यह है कि आज की डेट में रेफ्यूजीज की संख्या लगातार बढ़ते आ रही है अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो माइग्रेशन होती है अब देखिए सब लोग फोर्ज माइग्रेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमेंशन में लेकर के जाते हैं लेकिन आपको दो डिमेंशन में लेके जानी है एक हो गया जो पॉलिटिकल रेफ्यूजीज है या पॉलिटिकल रीजंस के कारण से बने हैं जो फोर्ज माइग्रेंट है और दूसरे हैं जो इन्वायरमेंट के कारण से बने हैं तो इन्वायरमेंट वाला जो फैक्टर होता है वो जनरली लोग स्किप कर जाते हैं भूल जाते हैं लिखना लेकिन आज की डेट में मोर देन सेवेंटी परसेंट माइग्रेंट जो है वो इन्वायरमेंट के कारण से ही है तो आपको ये लिखना काफ़ी ज़रूरी है अब इसके लिए आप बहुत सारे पॉइंट को उठा सकते हैं जैसे लॉस एंड डैमेज को भी उठा सकते हैं यहाँ पर कि लॉस एंड डैमेज क्लॉज हो गया है तो इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं बाकी सी लेवल राइज के बारे में आप बता सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता सकते हैं इंक्रीज डिज़ास्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के बारे में बता सकते हैं ठीक है तो देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स दैट यू कैन राइट हियर ठीक है अब इसके बाद से पॉलिटिकल में भी आप बात कर सकते हैं अब जैसे क्या है कि पॉलिटिकल में एक तो तो आपका जो मिडिल ईस्ट का इलाका हो गया ठीक है मिडिल ईस्ट का इलाका दिस इज़ ईस्ट अरे ईस्ट मिडिल ईस्ट का इलाका हो गया यहाँ पर प्रॉब्लम है सीरिया यहाँ पर जो कुर्दिस्तान वगैरह वाला इलाका है टर्की वगैरह वाला इलाका है और दूसरा इलाका आप बता सकते हैं रोहिंग्यास के लिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सताए हुए लोग हैं रोहिंग्यास तो इन दोनों लोगों को बेसिकली आप इनके रीजंस बताइएगा क्योंकि कॉजेस पूछा गया है तो आपने ये तो मेन कॉज बता ही दिया नाउ अगेन मेक फ्लो चार्ट हियर ऑल्सो कि आखिर में क्या क्या इन लोगों के भी रीजन्स हैं रीजन्स होंगे तो इनके कुछ ना कुछ इससे ही रिलेटेड जो है कंसिक्वेंसेज भी होंगे तो यहाँ पर भी कंसिक्वेंस वगैरह लिख करके आप इजिली लिख सकते हैं तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान क्वेश्चन है प्रेजेंट कंटेक्स में पूछा गया है तो इसलिए हम लोगों ने जो रीजंस भी मतलब जो भी फैक्टर्स दिखाए हैं वो भी प्रेजेंट कंटेक्ट वाले ही दिखाए हैं ये ध्यान रखिएगा ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ज्यादा देखिए यहाँ पर कुछ डिस्कस करने को है ही नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्रिस्टॉलर्स सेंटर प्लेस थ्योरी के बारे में तो अगेन यहाँ पर भी आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो काफी सिंपल होगा इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपको क्रिस्टॉलर की सीपीटी थ्योरी को डिस्कस करना है तो पहले आप क्यूआर डिस्कस कर लीजिएगा क्यूआर को डिस्कस करते करते आपको लोकेशनल रेंट थ्योरीज़ या लोकेशनल थ्योरीज़ के बारे में भी आप यहीं पर इंट्रोड्यूस कर दीजिए अब इसके बाद से एक फ्लो चार्ट बना दीजिए उस फ्लो चार्ट में आप दिखा दीजिए तीन थ्योरीज़ के बारे में तीन थ्योरीज़ का मतलब हो गया एक हो गई जो क्रिस्टॉलर की थ्योरी हो गई क्रिस्टॉलर सी पी टी इसी तरीके से आप वेबर की थ्योरी को दिखा सकते हैं इंडस्ट्रियल थ्योरी ठीक है दिस इज़ इंडस्ट्रियल थ्योरी फिर इसी तरीके से आप वॉन थ्यूरन की थ्योरी को दिखा सकते हैं यहाँ पर लिखा सकते हैं एग्रीकल्चरल थ्योरी बस हो गया काम खत्म आपका अब इसके बाद से आप आ जाइए क्रिस्टोलर की मेन थ्योरी में तो क्रिस्टोलर के बारे में आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है और उस फ्लो चार्ट में आपको सब कुछ लिखना है रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ क्रिस्टॉलर ठीक है बस आपको ध्यान ये रखना है लिख आप सब कुछ रहे होंगे वही के की वैल्यू वही एडमिनिस्ट्रेशन वही मार्केट वही ट्रांसपोर्ट बस आप सब कुछ उसको फ्लो चार्ट में लिखिएगा यही कहने का मतलब क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है लेकिन आपको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्लो मेंटेन करना है अब फ्लो कब मेंटेन होगा क्रिस्टॉलर को बता दिया आपने अब आप इसके रेलेवेंस बताएंगे और रेलेवेंस बताएंगे तो सीधी सी बात है आप ये बताएंगे अगेन तीन पार्ट में डिवाइड कर दीजिए स्मॉल स्केल ठीक है जैसे हम लोगों ने अभी किया था स्मॉल स्केल लार्ज स्केल डेवलपिंग नेशन या अनडेवलप्ड नेशन और डेवलप्ड नेशन ठीक है यहां पर अनडेवलप्ड नेशन एंड डेवलप्ड नेशन दिस इज डेवलप्ड ठीक है अभी इन चारों में बात कर लीजिए जैसे स्मॉल में और अनडेवलप्ड या डेवलपिंग में हमें क्रिस्टॉलर की सिग्निफिकेंस मिल जाती है बाकी हमें लार्ज में नहीं मिलता है और हमारे इस डेवलप्ड में भी नहीं मिलता है तो ये अपलिकेबिलिटी के बारे में बता दीजिएगा केस स्टडी अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं केस स्टडी इंडिया का उठाना चाहें तो इंडिया का भी उठा करके लिख सकते हैं क्लियर हो गया क्या चीज़ है तो ये सिस्टम है एक चीज आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा आपको अजम्पन जरूर लिखने है बिकॉज अजम्पन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पन एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर ही आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं मॉडल्स को ठीक है अल्टीमेटली जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में आप बस ये दिखा देंगे कि द रेलिवेंस ऑफ दिस सीपीटी थ्योरी इज नॉट मच इन द अपकमिंग डेज इन द मॉडर्न डेज बिकॉज थिंग्स आर नाउ मोर कनेक्टेड एंड दिस इज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड तो इस वजह से आप जो है रिसोर्स वगैरह या जो भी टेक्नोलॉजी या जो भी आ, टूल्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गए हैं तो इस कारण से सी पी थ्योरी जो है वो आगे रेलेवेंस में आने वाली नहीं है तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सी की थ्योरी है वो स्मॉल स्केल पे या फिर अनडेवलप्ड स्टेज में ये अप्लाई की जा सकती है सो दैट इज़ द थिंग लेकिन यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखेंगे कि ये थ्योरी फेल्ड है या कुछ भी है ये नहीं लिखेंगे आप लिखेंगे थ्योरी इज स्टिल रिलेवेंट इट हैज़ इम्पॉर्टेंस बट ऑन स्मॉल स्केल ठीक है तो ये चीज हो जाएगी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि देयर आर कंसिडरेबल डेमोग्राफिक सिमिलैरिटीज बिटवीन वेस्ट यूरोपियन नेशन एंड जपैन अब देखिए ये भी क्वेश्चन ज्यादा कुछ खास है नहीं यहां पर सिंपल आपको एज कंपोजिशन के बारे में पूछा जा रहा है एज कंपोजिशन तो देखिए आप इंट्रोडक्शन में एज कंपोजिशन के बारे में ही बताएंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में बताएंगे और इसी को आप लिंक कर देंगे पिरामिड से तो दिस इज पिरामिड अब उस पिरामिड में आप वही तीनों चीज़ें अर्ली एक्सपैंडिंग लेट एक्सपैंडिंग एंड बोल्जिंग ये सब जो चीज़ें होती हैं वो आप तीनों मॉडल्स के बारे में बता देंगे सबके बारे में एग्जांपल्स भी लिख देंगे कि किस तरीके से क्या आ रही है ठीक है अल्टीमेटली आप बता देंगे इसी बर्थ रेट एंड डेथ रेट के थ्रू बर्थ रेट वन सेकेंड बर्थ रेट एंड डेथ रेट के थ्रू कि जो वेस्टर्न यूरोपियन है वहाँ पर भी बर्थ रेट काफ़ी कम हो गई है डेथ रेट भी काफ़ी कम हो गई है एंड जापान में भी वही सेम केस तो यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है कि फ़र्टिलिटी भी इन लोगों की निगेटिव हो गई है बहुत कमी हो गई है जिसके कारण से हो क्या रहा है कि कुछ इन्वर्टेड टाइप का पैरामिड बन गया है इन्वर्टेड टाइप का पैरामिड बन बनने का मतलब यह है कि इनका जो फ्यूचर है वो अब अंधेरे में है तो इस वजह से ये दिक्कत है और यही चीज़ आपको बेसिकली एक्सप्लेन करनी है तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है लेकिन एज कंपोजिशन डीटीएम पिरामिड एंड uh, इन सब चीज़ों को डिस्कस करते करते यू कैन ईजिली राइट टू फिफ्टी वर्ड्स बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं लिख करके चेक करिएगा ठीक है एंड अगेन सेंड कर सकते हैं अपने आंसर्स को रिकोग्शन एज एट जी मेल डॉट कॉम पर और फिर वहाँ से फीडबैक आपको मिल जाएगा फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सप्लेन इट्स पैरामीटर विद ए इडिकुएट एग्जाम्पल अब देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है उसका मतलब क्या होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिए कई सारी चीज़ों से हम लोग मेजर कर सकते हैं एक हो गया जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स से आप कर सकते हैं देखिए ये सारी चीज़ें जो लिख रहे हैं ये सारी रिलिवेंट है एंड यू मे नॉट फाइंड ऑल दीज इन अ सिंगल प्लेस तो इसलिए ध्यान रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों है क्योंकि देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट अल्टीमेटली क्या होती है प्राइमरी चीज़ों को बताती है ये बताती है कि प्राइमरी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है और प्राइमरी चीज़ें ही आगे जा कर के क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करती हैं दूसरा हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बता देंगे कि भाई एक सिंपल सी बात है बंदा अगर हैप्पी रहेगा देन ओनली ही विल बी एबल टू डेवलप हिज़ ओन बॉडी हिज़ ओन सोसाइटी तो ठीक है तो हैप्पीनेस इंडेक्स भी हो गया इसके अलावा देखिए मल्टी डिमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स के बारे में भी आप बता सकते हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है इसके बाद बाकी आप आगे बात कर सकते हैं जैसे कि आ, दिस पी के बारे में बात कर सकते हैं ठीक है पी हो गया जिसे कि बेसिकली मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा दिस इज मॉरिस डेविड मॉरिस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था तो ये भी आप लिख सकते हैं क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में सो ये सारे के सारे कंपोनेंट हो जाएंगे मतलब इसके जो भी कंपोनेंट्स है उसको लेकर के आप डिस्कस कर सकते हैं एंड दिस विल बी रिलेवेंट एंड दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है तो बाकी आप इसको लिख सकते हैं अगेन आगे अगर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हॉट थ्योरी इज गेनिंग इंपॉर्टेंस वंस अगेन अब देखिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर आपकी काफी सिंपल होगी यहाँ पर आप जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में आप जियो के बारे में बात करेंगे जियो और ये जियो आप नाइनटीन से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये जो हॉटलैंड की थ्योरी है दिस वॉज रिलेवेंट ठीक है क्योंकि डिस हुआ था यूएसएसआर का अब इसके बाद से बात कर देंगे यहाँ पर कौन कौन सी थ्योरीज हैं थ्योरीज में आप बता देंगे तीनों थ्योरी के बारे में महान की थ्योरी के बारे में आप बता देंगे हॉटलाइन की थ्योरी के बारे में आप बता देंगे ठीक है बाकी स्पाइकमैन की थ्योरी के बारे में भी बता देंगे ठीक है अब देखिए यहां पर क्वेश्चन यह है कि गेनिंग इंपॉर्टेंस दैट मीन्स आपको क्रोनोलॉजी बतानी होगी कि पहले हॉट की थ्योरी इंपॉर्टेंट थी हॉट सॉरी दिस व्हाट इज दिस हॉटलैंड की थ्योरी इंपॉर्टेंट थी मकाइंडर हॉटलैंड थ्योरी ठीक है दिस इज मकाइंडर की थ्योरी ठीक है अब देखिए मकाइंडर की थ्योरी जो वर्ल्ड वॉर के दौरान में इंपॉर्टेंट हुई थी उसके बारे में आप बताएंगे फिर उसके बाद बताएंगे देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द कंडीशन चेंज एंड दैट इज स्पाइकमैन की थ्योरी जो है वो ज्यादा रेलिवेंट हो गई थी लेकिन फिर क्या हुआ द वर्ल्ड इज नाउ कनेक्टेड एंड इट इज अगेन गेनिंग इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड दैट इज वाई पीपल आर ट्राइंग टू गेट न्यू लैंड एंड न्यू बॉडीज इन द लैंड एरिया बिकॉज दे कैन डिप्लॉय देयर मिलिट्री फोर्सेज देयर ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर आ सकते हैं और हॉटलैंड की थ्योरी जो है उसको आप इम्पॉर्टेंस दिखा सकते हैं ध्यान ये रखना है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ये आपको टर्म लिखना है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट क्योंकि यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट टर्म होगा ठीक है बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या है कि इंडिया पोर्ट्स बना रही है तो लैंड पे बना रही है चाइना भी पोर्ट्स बना रहा है वो भी है इसके अलावा इंडिया का उज्बेकिस्तान में एक मिलिट्री एरिया भी है जो कि उज्बेक ने दिया हुआ है सो अगेन दैट इज इम्पॉर्टेंट सो लैंड इम्पॉर्टेंस वो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं ठीक है नाइनटीन सेवेंटी वन के वॉर के बारे में आप दिखा सकते हैं किस तरीके से रशिया ने जो है वो भेजा था तो रशिया अपने पास लैंड पावर रखा था लेकिन एट द सेम टाइम इट वॉज हैविंग सी पावर ऑल्सो तो ये आप लिख सकते हैं अल्टीमेटली जब आप कंक्लूजन करेंगे तो आप ये बताएंगे कि देखिए आज की डेट में कोई भी एक सिंगल थ्योरी पूरी तरीके से अप्लीकेबल नहीं है और पूरी तरीके से गलत भी नहीं है आज की डेट में लैंड एंड सी दोनों की ही इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गई है एंड दैट इज़ वाई मकाइंडर की थ्योरी इज रिलेवेंट अलॉन्ग विद स्पाइकमैन की थ्योरी एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस कॉम्बिनेशन इन द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन इंडियन ओशियन में देखिए इन दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है हर एक कंट्री हर एक वर्ल्ड की कंट्री चाह रही है कि इस तरीके से इंडियन ओशियन में उनको एक्सेस मिल जाए इसके लिए चाइना भी अपना स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिसी चला के रखा हुआ है यूएस भी अपनी पॉलिसी चला के रखा हुआ है इंडिया भी अपनी पॉलिसी चला के रखा हुआ है तो अल्टीमेटली इस तरीके से आप कंक्लूजन कर देंगे क्लियर हो गया क्या चीज है नाउ अगला जो पार्ट है दिस इज अगेन वेरी इजी पार्ट रीजनल डेवलपमेंट के बारे में पूछा जा रहा है स्मॉल टाउन के रोल को पूछा जा रहा है देखिए यहां पर जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे रीजनल डिस्पैरिटी को या रीजनल प्रॉब्लम्स को आप बताएंगे ठीक है रीजनल प्रॉब्लम्स को आप बता दिए अब रीजनल प्रॉब्लम को उसके बाद से आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है तो सॉल्यूशन का आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे अब इस सॉल्यूशन में ही फ्लो चार्ट में आप दिखाएंगे कि देखिए इसमें एक स्मॉल एरिया भी होता है स्मॉल टाउन्स भी होती हैं जिनके बेसिस पे हम लोग एरिया को डेवलप कर सकते हैं यहाँ से आप कई सारे पॉइंट को दिखा सकते हैं नंबर वन पोलिटिकल पॉइंट को भी आप दिखा सकते हैं जैसे बॉटम टू टॉप अप्रोच ठीक है बॉटम टू टॉप अप्रोच डेमोक्रेसी या कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह जो भी दिखाना चाहे आप दिखा सकते हैं थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आप बता सकते हैं थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट तीसरा सॉरी uh, दूसरा पीपल्स पार्टिसिपेशन पीपल्स पार्टिसिपेशन सोशल ऑडिट ठीक है सिंपल यही सब टर्म है ज्यादा कोई अंतर नहीं है फिर उसके बाद से दिस इज थर्ड पॉइंट हो गया ना फोर्थ पॉइंट आप बता सकते हैं सिस्टम्स एनालिसिस सिस्टम्स एनालिसिस होता क्या है जब स्मॉल स्केल पे जब आप रहते हैं तो इट विल गो इधर लीनियर और इट विल गो एट एट मैक्स इट कैन गो तो cascading या लीनियर जा सकता है लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहां पर सिस्टम जो है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि रीजनल डेवलपमेंट में उतनी ज्यादा डायरेक्ट हेल्प नहीं मिलती है तो बस सिंपल हो गया यही सारे पॉइंट आपको लिखने हैं एंड यू कैन इजिली जस्टिफाई दिस थिंग ठीक है आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट लेक्चर लास्ट क्वेश्चन पे एंड दिस लास्ट लेक्शन इज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल और इस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल को हम लोगों ने पॉपुलेशन जोग्राफी uh, वाले डिस्कशन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है सो आपस में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है सोशल कैपिटल का मतलब यही है कि आप ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं उसको दिखाना है अब यहाँ पर देखिए एज कम्पोजिशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको भी आप दिखा सकते हैं और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हियर विल बी पिरामिडल स्ट्रक्चर जो भी पिरामिड वगैरह बनाना है तो वो भी अब बना करके दिखा सकते हैं लेकिन फोकस आपको रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स एज अ सोशल कैपिटल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है डिस्कस कर रखे हैं हम लोग तो उसको आप गो थ्रू करके अपने नोट से भी रिवीजन कर सकते हैं या फिर वीडियो से भी रिवीजन कर सकते हैं तो ये थी पूरी की पूरी 2017 का पेपर एंड uh, दोनों ही uh, डिस्कस कर लिया हम लोगों ने सेक्शन सेक्शन ए भी सेक्शन बी भी अपने आंसर लिख करके आप सेंड कर सकते हैं रिकोग्शन एट जी मेल डॉट कॉम पर और यहाँ पर हम आपके आंसर को इवेलुएट करके फीडबैक देंगे एंड दैट विल बी द थिंग तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में पेपर टू के साथ दो हज़ार सत्रह के ही पेपर टू के साथ टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच